थोड़ा धीरे बोलेंगे क्योंकि पापा सो रहे साइड में। अगर मैं तुमसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा वेब शो कौन सा है, या फिर सबसे बढ़िया वेब शो कौन सा है, तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में अलग अलग नाम आए, लेकिन जो नंबर वन पर है पूरी दुनिया के अंदर वो है ब्रेकिंग बैड, जो आज से 15 साल पहले बना था। लेकिन ब्रेकिंग बैड के फैंस को सिर्फ एक चीज नहीं पसंद, वो है इसका हिंदी डब, क्योंकि वो है ही नहीं। ब्रेकिंग बैड नेटफ्लिक्स का शो है जो कि आज से 15 साल पहले बनाया था, और वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि दुनिया में हर किसी ने ऑलरेडी देख लिया है। तो फिर नेटफ्लिक्स ने सोचा, यार जो चीज ऑलरेडी सब लोगों ने देख रखी है उसका हिंदी डब क्या ही करेंगे अपन। नेटफ्लिक्स को इसके अंदर कुछ खास प्रॉफिट दिखा नहीं, तो उन्होंने किया नहीं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ब्रेकिंग बैड नहीं देखी है, उन लोगों के लिए होता है बहुत ही बड़ा चमत्कार G5 की तरफ से। G5 भी लाइक हम करेंगे। तो फाइनली मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि ब्रेकिंग बैड जो 15 साल में हिंदी डब नहीं हो पाया, वो फाइनली G5 हिंदी डब कर रहा है, वो भी ऑफिशियली। क्या तुमने ब्रेकिंग बैड नहीं देखी? खुश तो बहुत होगे तुम। ब्रेकिंग बैड काफी टाइम पहले मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में देख लिया था, लेकिन मैंने वापस देखा इसकी हिंदी क्वालिटी चेक करने के लिए। और मैं पहले बता दूं, इसलिए मैंने पूरा सीजन या फिर सब कुछ नहीं देखा, सिर्फ 2 एपिसोड ही देखे, क्योंकि स्टोरी तो मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे सिर्फ इसकी हिंदी डब की क्वालिटी पता करनी थी। तो जैसे ही मैंने ब्रेकिंग बैड का एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 हिंदी में देखा 2 दिन लगातार, मुझे 2 चीजें सबसे ज्यादा पहले नोटिस हुई। सबसे पहले हिंदी डब इतना अच्छा नहीं है जितना कि इंग्लिश में था। स्पेशली जो हमारा मेन कैरेक्टर है वॉल्टर व्हाइट, आई थिंक यही नाम था ना, उसके वॉइस आर्टिस्ट के अंदर अगर थोड़ा और बेस होता तो मजा आ जाता। लेकिन जिन लोगों ने ब्रेकिंग बैड इंग्लिश में देखी नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि वॉल्टर व्हाइट की ओरिजिनल वॉइस कैसी है, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है कि मिस्टर व्हाइट की ओरिजिनल लैंग्वेज कैसी है। अगर हिंदी सूट कर रही है तो बढ़िया है, बट मुझे नोटिस हुई, शायद तुम्हें ना हो, क्योंकि ये डायरेक्ट टेलीविजन पे दिखाए जा रहे हैं, तो टेलीविजन के कुछ रूल्स होते हैं, तो इनको काफी कुछ काटा गया, जो कि अडल्ट जो भी चीजें थी वो सब कुछ काट दी। हाँ मतलब काफी सारे पार्ट्स काट रखे जो 18 प्लस है और टीवी पे नहीं दिखा सकते। जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि ब्रेकिंग बैड चीज क्या है, ये नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वेब सीरीज है, जिसके अंदर एक केमिस्ट्री टीचर होता है जिसे लंग्स कैंसर हो जाता है, और उसे सही करने के लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जो कि उसके पास नहीं होता। लेकिन किस्मत उसे मिलाती है उसी के एक स्टूडेंट से जो पिंक मैन होता है, बेसिकली मैथ का बिजनेस करता है, लोगों में बाबा जी की बुट्टी सप्लाई करता है। तो केमिस्ट्री टीचर के पास था बहुत तगड़ा नॉलेज, और वो बना देता है बहुत ही कमाल की बाबा जी की बुट्टी, जो कि 99.99% प्योर होती है। और जैसे ही वो मार्केट में आती है, लोग बावड़े हो जाते हैं, और इसी वजह से बाबा जी की बुट्टी की सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि टीचर के पास अंधा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कैरेक्टर्स किस तरह से इवॉल्व होते हैं, धीरे 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 जिस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। स्टार्टिंग में पता चलता है कि वो टीचर मक्खी तक नहीं मार सकता, और भाई एंडिंग तक तो दिमाग खत्म हो जाता है हमारा। मेरी प्रेफरेंस रहेगी, अगर तुम इंग्लिश में देख सकते हो तो डेफिनेटली तुम्हें इंग्लिश में देखनी चाहिए, अगर नहीं देख सकते हो तो हिंदी देखना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत सीन कट रहेंगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, बट इंग्लिश नंबर 1। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो के साथ।